आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जर्नल एंट्री कैसा फॉर्म होता है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वो गो थ्रू किया था। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंजाइन 50 बंडल ऑफ कट पीस क्लोथ एट ₹700 टू मुखर्जी एंड कंपनी, बराबर। इसका मतलब रामदास ने गुड सेंड किया तो रामदास कौन हुआ? कंजाइनर। किसको दिया? मुखर्जी एंड कंपनी को दिया, तो मुखर्जी एंड कंपनी कौन हुआ? कंजाइनी। वो क्लियर हुआ? कंजाइनर कौन है, कंजाइनी कौन है, क्लियर हुआ? ये सब में सबसे पहला यही जानना इंपॉर्टेंट है, कंजाइनर कौन, कंजाइनी कौन। जैसे तुम लोग 12th में बिल ऑफ एक्सचेंज किया था, ड्रॉवर कौन, ड्रॉबी कौन, ये हर एग्जाम में तुम लोग आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई कर दिया तो आधा सम हो गया। ओके तो ये कौन हो गया? रामदास कौन हुआ? कंजाइनर। मुखर्जी कौन हुआ? कंजाइनी। तो हम लोगों को किसके बुक में करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी, मतलब कंजाइनर के बुक में जर्नल एंट्री हम लोगों को फॉर्म करना है और उसका ही लेजर अकाउंट भी शो करना है। तो एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे। सबसे पहला कंजाइन किया कितना? 50 बंडल्स। 50 बंडल्स कितने में? 700 में किया, मतलब कितना हो गया टोटल? 35,000। ओके तो एंट्री क्या आएगा? फर्स्ट एंट्री क्या आएगा? एंट्री कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है? गुड्स जा रहे अपने पास, किस लिए जा रहे हैं? कंजाइनमेंट के लिए। टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट 35,000। नरेशन तुम लोग लिख लेना, बीइंग गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट। ओके उसके बाद आगे बढ़ते, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट टाइम में कवर हुआ। सेकेंड एंट्री एंड एडवांस ऑफ ₹16,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी। मुखर्जी ने हमें 16,000 एडवांस दिया, बराबर। मुखर्जी कौन? कंजाइनी। कंजाइनी ने हमें पैसा दे रहा है तो अपने पास कैश आया, कैश में टू कौन दे रहा पैसा? मुखर्जी। मुखर्जी एंड कंपनी कितना दे रहा है? 16,000। किधर? 16,000। इतना क्लियर? ओके थर्ड एंट्री थर्ड लाइन में मुखर्जी एंड कंपनी सेंड एन अकाउंट सेल विच स्टेट्स दैट टोटल गुड्स वेर सोल्ड फॉर 56,000। मतलब क्या है लाइन में? मतलब क्या समझा कुछ? मुखर्जी एंड कंपनी मतलब कंजाइनी ने गुड्स सेल किया उसका इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो क्या एंट्री आएगा? नहीं एंट्री तो आएगा कंजाइनी। ओके सबसे पहला नॉर्मल, अगर उसने गुड सेल किया और हमें पैसा दे रहा है तो क्या एंट्री आता था? हमें पैसा आ रहा है कैश बैंक, किस लिए आ रहा है? कंजाइनमेंट के लिए आ रहा है, बराबर। ऐसा एंट्री आता था कितना? डेबिट 56,000। लेकिन इधर बोला है कि ये लाइन में कि कैश आ रहा है? नहीं। कैश आएगा, उसने सेल किया है, उसने सेल किया, कंजाइनी ने सेल किया तो कैश तो आना चाहिए। तो वो बिल दे रहा? नहीं कुछ नहीं दे रहा, कुछ स्पेसिफाई किया इधर, बिल दे रहा। मुखर्जी एंड कंपनी सेंड द अकाउंट सेल्स विच स्टेट्स दैट, क्या बोला है? विच स्टेट्स दैट, उसने सिर्फ रिसिप्ट बताया कि इतने का सेल्स हुआ है, समझा। उसने पैसा लाके नहीं दिया, ना ही बिल दिया है, तो लाके देगा। कैश अभी मिला है क्या? नहीं, नहीं।
पैसा आने वाला है, कौन लाके देने वाले हैं? मुखर्जी। तो इधर मुखर्जी टू कंजाइनमेंट, समझो ये एंट्री समझ में आया। तीन लाइन में तीन एंट्री अपना कवर हुआ। नेक्स्ट 1800 were paid for carriage, go down and port expenses. ओके, किसने पे किया? मुखर्जी एंड कंपनी ने पे किया। ओके, तो क्या एंट्री आएगा? कैश गया अपने हाथ से। अपने हाथ से नहीं गया ना, उसके हाथ से गया, कंजाइनी के हाथ से गया, बराबर अपने एक्सपेंसेस से किया, अपने एक्सपेंसेस है, लेकिन पे किसने किया? उसने किया। तो नॉर्मली हम लोग पे करते तो क्या एंट्री आता? कंजाइनमेंट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक, बराबर। हम क्या से गए थे पैसा? नहीं, तो वो मुखर्जी आएगा, उसके से गया, उसको देना पड़ेगा। तो इधर क्या आएगा? मुखर्जी एंड कंपनी। कितना अमाउंट? 1800। ओके, कमीशन ऑफ रुपीज 2000 वाज पेड, कमीशन पे करना है मुझे, क्या एंट्री आएगा? सेम एक्सपेंसेस के लिए, अपने हाथ से पैसा जा रहा है तो यही एंट्री आएगा, टू मुखर्जी, अपने हाथ में पैसा आ रहा है तो यही एंट्री आएगा, मतलब पैसा आने वाला है, मुखर्जी टू कंजाइनमेंट, समझो? नहीं समझा? ये देख, अब हम लोग को उसको पैसा देना है, बराबर, तो क्या एंट्री आएगा? कंजाइनमेंट टू मुखर्जी 1800 देना है, वो हमें पैसा देने वाला है मुखर्जी टू कंजाइनमेंट, बराबर। देख 56,000 मुझे देने वाले ना, वो उसने सेल किया है, तो मैं क्या बोलेगा? पहले 56,000 ले, उसमें से फिर 1800 देगा, 2000 देगा, ऐसा नहीं करेगा, डायरेक्ट उधर से कट कर, 1800 कट कर, 2000 तेरा कमीशन कट कर, जितना पैसा बचा फिर मुझे लाके दे, ऐसा बोलेगा ना मैं। तो उसके लिए फिफ्थ एंट्री सेम एंट्री उठा के लिखना है, कंजाइनमेंट टू मुखर्जी, मुखर्जी एंड कंपनी, कितना? 2000। हो गया, सभी एंट्रीज हो गया, और कुछ एंट्री बाकी है? और कुछ एंट्री आएगा? आएगा, एंट्री आएगा, वो पैसा देने वाले ना हमें, क्यों पैसा लेके भाग जाएगा? 56,000 देना है, उसमें से ये सब माइनस करके देना है, बराबर, पैसा आने वाला है। हाँ, वो एंट्री हम लोग इस पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, वो एंट्री कब सॉल्व करेंगे? लेजर अकाउंट बनने के बाद, तो लेजर बैलेंसेस ट्रांसफर होता है ना, तभी हम लोग वो अकाउंट सॉल्व करेंगे। ओके, जर्नल एंट्री हम लोगों ने कवर कर दिया, अभी हम लोग उसका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। तो पहला जर्नल एंट्री क्या था? कंजाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स, तो टू गुड्स से, तो डेबिट साइड में हम लोग टू लिखते हैं, तो इसलिए टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, कितना अमाउंट? 35,000। इधर टू में आया मतलब उधर बाय में आएगा, क्या बाय में आएगा? बाय किधर से? कंजाइनमेंट 35,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री क्या था? कैश बैंक अकाउंट टू मुखर्जी, तो मुखर्जी में बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक, कितना? 16,000। फिर दूसरा कैश बैंक अकाउंट बना है क्या इधर की इधर? कैश बैंक अकाउंट नहीं बना, उसके लिए एक की एंट्री। ओके, नेक्स्ट क्या है? मुखर्जी टू कंजाइनमेंट अकाउंट, मुखर्जी टू कंजाइनमेंट, तो कंजाइनमेंट में बाय मुखर्जी, मुखर्जी में टू कंजाइनमेंट, सॉरी, कितना? 56,000। और इधर टू कंजाइनमेंट 56,000। नेक्स्ट क्या है?
कंजाइनमेंट टू मुखर्जी कंजाइनमेंट टू मुखर्जी तो टू मुखर्जी यहाँ पे आएगा 1800 यहाँ पे क्या पे जाएगा बाय में बाय कंजाइनमेंट 1800 नेक्स्ट क्या है कंजाइनमेंट अकाउंट टू मुखर्जी तो मुखर्जी में बाय कंजाइनमेंट 2000 और यहाँ पे टू मुखर्जी 2000 और खत्म हो गया पूरा जनरेटिव कवर हो गया तो हम लोग क्लोज करेंगे सबसे पहले कंजाइनमेंट क्लोज करेंगे कौन सा साइड बढ़ा ये साइड बढ़ा 56,000 यहाँ पे 56,000 माइनस करने के बाद कितना आता है 17,200 इधर क्या लिखे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके ये जो नया पोस्टिंग हुआ है ना उसका एंट्री फॉर्म होगा 6th जर्नल एंट्री क्या एंट्री आया कंजाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट 17,200 समझ में आया एंट्री नेक्स्ट ये क्लोज करेंगे कौन सा साइड बढ़ा है ये साइड बढ़ा है 56,000 माइनस करेंगे क्या अमाउंट आ रहा है 36,200 ये अमाउंट जो बैलेंस बच रहा है ना ये मुखर्जी रामदास को देने वाला है तो कैश ओके तो उसके लिए बाय कैश बैंक अब ये बाय है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी 7th एंट्री फॉर्म होगा कैश बैंक टू मुखर्जी कितना अमाउंट है 36,200 वो हो गया अभी इसमें कौन सा साइड बढ़ा है रेड साइड बढ़ा है एक ही अमाउंट है वो अमाउंट लिख देंगे 35,000 यहाँ पे भी 35,000 वो ऊपर जाएगा 35,000 और कौन सा अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग सेल्स सब रिलेटेड किससे रहने वाले ट्रेडिंग से रहने वाले उसके वो ट्रेडिंग अकाउंट तो एक एंट्री फॉर्म होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है तो गुड्स एंड फ्रॉम कंजाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट 35,000 कितना 35,000 समझ में आया एंट्रीज पोस्टिंग समझ में आया जनरल एंट्री क्लियर है एक्स्ट्रा कौन सा जनरल एंट्री कैसा फॉर्म हो वो क्लियर है